हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, पोशाक को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम सिर्फ ड्रेस बनाएंगे और ये पगड़ी का वीडियो आपको ड्रेस की वीडियो के बाद में मिलेगा। अगर हम दोनों चीज़ें एक ही साथ बनाएंगे एक ही वीडियो में तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए मैं ये पगड़ी का वीडियो ड्रेस की वीडियो के बाद में अपलोड करूंगी, तो पगड़ी का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। सो ये देखिए गाइस, मैंने ये ड्रेस का बेस बना करके रेडी कर लिया है। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बेस है। इसे बनाना मैंने और भी कई सारी वीडियोस में बताया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि हम ये ड्रेस का बेस कैसे बनाएंगे। और अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ये देखिए फ्लावर बनाए हुए हैं, ये मैंने कतरन से बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप इस फैब्रिक को देखेंगे तो इधर से ये स्ट्रेचेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इधर से खींचेंगे या इधर से खींचेंगे तो ये स्ट्रेचेबल है। तो हमें यहाँ पे तिरछी पट्टियाँ कट करनी है, जैसे हम ब्लाउज के नेक में लगाते हैं तो इस तरह से हमें तिरछी पट्टियाँ कट करनी होती हैं। तो ऐसी मैंने पट्टी कट करके रखी हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने रेड कलर में पट्टी कट की हुई है इस तरह से, ये और एक पट्टी कट कर की हुई है मैंने तिरछी पट्टियाँ, और इसे प्रेस करके मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये देखिए, फोल्ड होने के बाद में ये 1 इंच आ रही है और इसकी लंबाई जो है ये देखिए 10.50 इंच है। अब देखिए मैं इसमें कैसे फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पे हम सुई में धागा डाल लेंगे और यहाँ से हमने धागे की गांठ को जो है वो अंदर कर दिया है। और अब यहाँ से हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे, छोटी छोटी सी सिलन। और इधर से हम सीधी सिलन लगाते हुए यहाँ पे फिर हम गोलाई में सिलन लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी सिलाई को थोड़ा पास पास करेंगे हम, बहुत ज्यादा खींच कर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा दूर ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे फैला लिया है। और अब ये देखिए, हम यहाँ से किनारे से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये फ्लावर की शेप में आ जाएगा। ये पूरा ही जितना ये है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे बनाना मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है इस फ्लावर को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं ये फ्लावर हम कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए, पूरा फोल्ड हो गया है और यहां से हम इसे कर लेंगे टक। और ये देखिए, अब हम इसमें इस तरह की ये पत्ती लगाएंगे। तो ये देखिए, पत्ती बनाने के लिए मैंने ये पीस कट किया हुआ है ग्रीन कलर के फैब्रिक से, और इसे अगर हम मेजर करेंगे तो ये 2.50, इधर से भी 2.50 है। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो इसके कोने निकले हुए हैं हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे छोटी छोटी सी इस पूरे गोलाई में। ये देखिए, ये इस तरह से अब हम इस पत्ती को यहाँ पे टक कर लेंगे। और यहाँ पे हम लगा लेंगे नॉट। तो ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बन गया। और अब ये देखिए, इन सभी फ्लावर को, ये मैंने 4 फ्लावर बनाए हुए टोटल, इसे हम लगाएंगे। तो जो हाथ, जिस हाथ में गोपाल जी का लड्डू होता है उस हाथ की तरफ हम इसे लगाएंगे इस तरह से। एक फ्लावर इधर रहेगी, एक पत्ती, दूसरी पत्ती इस तरफ रहेगी, और ये, और इस तरह से, इस तरह से हमें लगाना है इसे।
फिर देखिए नीचे साइड में हम इसके यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ये मैंने इसके लिए फैब्रिक ग्लू लिया हुआ है, आप यहाँ पे फेविबॉन्ड या ग्लू गन की हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसमें भी हम नीचे से ग्लू लगा करके ऐसे, फिर एक इधर को और एक ये इधर को, इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्लावर पेस्ट कर लिए हैं। और अब ये मैंने कलरफुल मोतियां ली हुई, छोटे साइज में है ये, देखिए आप साइज कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे या ठीक लगे लगाने में। और इस तरह से हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, हमें धागा नहीं निकालना है, पहले तो हम पेस्ट कर लेंगे पूरे में। तो ये हमने पेस्ट कर लिया, अभी देखिए मैंने धागा इसे पूरा ही निकालेंगे नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा छोड़ना भी नहीं, एकदम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इस धागे को हम बैक साइड पे या फिर यहीं किनारे से पेस्ट कर देंगे। दोनों ही साइड में हमें इसी तरह से पेस्ट करना धागे को। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे मोतियाँ लगाने के बाद में यही मोतियाँ जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दी हैं। आप यहाँ पे स्टोन भी यूज कर सकते हैं मोतियों की जगह पे, जैसे कि मैंने ये देखिए फ्लावर पे छोटे छोटे जो स्टोन है मैंने पेस्ट किए हुए हैं। ये आपको अगर अच्छे लगे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छे लग रहे तो आप, जरूरी नहीं है कि ये वाले नग फ्लावर के ऊपर लगाएं। और इसके अलावा मैंने ये देखिए ये जो है ये बंचेस लिए हुए हैं, इन्हें मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है और इन्हें हम यहाँ पे बीच में इस तरह से फेविबॉन्ड या ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू जिससे भी आप पेस्ट करना चाहें इस तरह से पेस्ट कर लें। तो इतना कर लेते हैं। सो ये हमने पेस्ट कर लिए हैं, अभी सूखे नहीं है, इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। और अब हम इसके लिए बना लेते हैं चोली। तो चोली बनाने के लिए देखिए हमारा मेजरमेंट चार्ट, ये हमारा 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। तो उसके लिए हमें चाहिए 9 इंच लंबाई और 2.25 इंच चौड़ाई का फैब्रिक। तो इसमें मैंने सभी साइज के लिए दिया हुआ है, तो आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। ये हमारा चोली का मेजरमेंट है ये दोनों, और ये हमारा घेर का मेजरमेंट है, जो हमारी घेर की ये देखिए इस तरह से जो घेर होता है इसका पूरा डायमीटर जो होता है, व्यास होता है इसका, वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 नंबर के लिए हमें चाहिए 9 इंच लंबा फैब्रिक। तो ये मैंने देखिए ये कट किया हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, ये जो है ये आप देख सकते हैं ये 9 इंच लंबा है और 2.25 इंच चौड़ाई में है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसे पहले ही हाफ ऑफ कर लें, अगर आप बाद में हाफ ऑफ करना चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं। और ये मैंने ये रिबन लिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसे लॉक कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इसे अलग कर लेते हैं। तो ये मैंने इधर इन्हें अलग अलग कर लिया है, बीच से कट कर लिया है। और अब आप चाहें तो यहाँ पे इसे पहले एक बार फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे हम इस तरह से इसे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में ये रिबन से हम इसे कर देंगे लॉक यहाँ से इस तरह से, दोनों में ही हमें इसी तरह से लॉक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे लॉक कर लिया है दोनों ही साइड से। और अब हमें क्या करना है, इसे एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने इसे सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे घेर में करेंगे टक। तो घेर में टक करने के लिए ये देखिए यहाँ पे, अगर आप इसे अलग से पहनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक डोरी लगा सकते हैं इस तरह से, सीधी सीधी इस तरह से आप यहाँ पर डोरी लगा लें और फिर उसके बाद में इस तरह से बांध करके आसानी से पहना सकते हैं। इस टाइप की चोली भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसे घेर में ही टक करना चाहते हैं तो ये देखिए जो हमारा यह कट वाला साइड है इसके सामने बिल्कुल हम इसे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे टक। तो ये देखिए जो हमारा सीधा साइड है इसका चोली का, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो जो सीधा साइड है वो इस तरह से रहेगा और ये जो बड़ा वाला साइड है चोली का वो इधर रहेगा कट की तरफ। और यहाँ पे हम इसे रखेंगे और यहाँ पे टक कर लेंगे, बिल्कुल हमें सेंटर पे रखना होगा इसके। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने इसे टक करने के बाद में, अब ये देखिए जब हम इसे पहनाएंगे
तो ये हिस्सा आएगा फ्रंट पे और ये दोनों बाजुओं पे जाकर के ये बैक साइड पे जाएगा और पीछे से हम डोरी को बांध देंगे। और यहाँ से हम नीचे से, अगर ये फिट नहीं आ रही है आपके लड्डू गोपाल जी को, तो यहाँ से हम स्टेप को खींच करके फिट भी कर सकते हैं। तो ये ड्रेस बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।